दोस्तों आज अपने पास आया है वीवो का Y91 मॉडल, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें चार्जिंग है जो नहीं हो रहा है, चार्जिंग में एरर आ रही है। वीवो के जो भी फ़ोन हैं उनमें ये वाली जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है। आप अभी देखेंगे इसको, तो ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है उनमें, कि लगभग फ़ोनों में आ जाती है ये वाली दिक्कत है वो, ठीक है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अनेबल टू चार्ज, ये वाला जो इशू है वो लगभग आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी फ़ोन में देखोगे तो ये वाला जो इशू है आपको मिल जाता है देखने को। ये वाला इशू हर एक फ़ोन में आपको देखने को मिलता है लगभग, जिस फ़ोन में ये वाली एरर आती है, जो खास करके अपने वीवो का होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर और सब्सक्राइब, और पास में बेल आइकन है उसको भी साथ में से दबा देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे इसी तरह के तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपने आप को अपडेट करते रहो हमेशा कि आने वाले टाइम में क्या क्या नई नई फॉल्ट आ रही हैं उसके बारे में, और उनका इजी वे ट्रिक क्या है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो ऐसा रहता है, बहुत बार क्या रहता है ना कि जो ये फ़ोन अभी मेरे पास आया है तो इसमें क्या है कि लोग बाग घंटे दो घंटे लेके बैठते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम है जिसका जो सोल्यूशन है जो हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें है ये है कि ये प्रॉब्लम है जो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आज अपन इस फ़ोन को खोलेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये फ़ोन रिपेयर होगा और कितना ईजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसके पहले बहुत पहले एक सॉल्यूशन दिया था हिट होने का, वो भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा चला, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल वे में, जो लोग नहीं समझते हैं बिल्कुल ही ना उनके लिए, और ये भी वही है कि उनको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा काम करेंगे और एक बार में आपका काम हो जाएगा। आप वीडियो को मत छोड़ना, एक बार इसको अपन ओपन कर देते हैं पूरा। हालांकि कस्टमर का कहना ये है कि उन्होंने मदरबोर्ड भी, जो नीचे का बोर्ड है ये देखिए, अभी ये बोर्ड भी डलाया है, और इसकी जो मेरे पास जब लाए थे तो ये साथ में लेके आया वो, कि इस कंडीशन में आया है और फिर भी फ़ोन है जो बना नहीं है मेरा, और ये प्रॉब्लम क्या है कैसे बनेगा इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये बोल रहे हैं मदरबोर्ड भी मैंने इसके अंदर, ये नीचे का जो सब बोर्ड है मदरबोर्ड, सब बोर्ड को भी मैंने डला दिया है, लेकिन फिर भी मेरा जो है काम नहीं हो रहा है इससे, जिससे फिर भी ये प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। इसीलिए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में निकलती कहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार क्या रहता है, ये अभी इस कंडीशन में आया तो एक बार बंदा समझेगा कि यार मैं इसको कर देता हूँ, नहीं तो नेटवर्क का इशू आएगा। अब इसको बनाने से भी वैसे जंपर लगा के बना सकते हैं, लेकिन वो टिकना मुश्किल है उतना, मतलब उतने टाइम तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये जितने भी इसके प्रिंट है वो सारे निकल गए हैं, इसके हिसाब से इसका ज़्यादा टिकना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसका जो मदरबोर्ड उन्होंने डाल रखा है उसको भी एक बार अपन खोल के देख लेते हैं कि उन्होंने क्या डाल रखा है इसके अंदर। और जिन जिन भाइयों को स्क्रैप मदरबोर्ड की अगर ज़रूरत पड़ती है और जो रिपेयरिंग करते हैं, तो स्क्रैप मदरबोर्ड मेरे पास आपको अच्छी कंडीशन में और अच्छा काम करने के लिए लगभग अच्छी आईसीओ के साथ में मिलेंगे और प्रॉपर वर्किंग। जैसे कि एक आईसी अपन कोई कभी भी लेते हैं ना, उसका रेट बहुत हाई रहता है, जैसे कि 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, कभी कभी 400-500 रुपये की रेट की भी आईसी आती है, और कोई कोई मॉडल में इतनी महंगी है कि 700-700 रुपये का आईसी आता है। ठीक है ना, पहले तो अपन ने इसको खोल दिया। आप जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, जैसे कि ये जो डाला है, जिसने भी डाला है इसको, वो काफ़ी अच्छा डाला है, कहने का मतलब है
अगर नज़र मार रहे हैं तो इस पे लगभग कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं और इसमें नेटवर्क के जैसा कुछ इशू आने के जैसा नहीं लग रहा है और अच्छी कंपनी का डाला हुआ लग रहा है। ठीक है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, कुछ भी करने की ना मीटर लेने की ज़रूरत है ना कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है और उसको हर एक चीज़ को समझ के फिर वो चीज़ें करने की रहती है और सॉल्यूशन ढूंढने का ही पैसा रहता है हमेशा। आपने कभी देखा होगा सॉल्यूशन ढूंढने का ही पैसा रहता है, बाकी तो लोग ऐसे ही कर देते हैं काम, मेन सॉल्यूशन का पैसा रहता है। एक बार क्या करेंगे अपन, एक बार लगा के भी देख लेते हैं इसको। इसमें DMDP कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है वैसे तो, वैसे यूँ देखा जाए कि तो टेम्परेचर के हिसाब से इसमें देखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिस कंडीशन में इस फ़ोन में जो दिक्कत आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं पर्टिकुलर इस मॉडल की ही बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि यार आप तो इसके बारे में ऐसे वो DMDP की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर इसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ आपको। देखते हैं अपन बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज है जो क्या निकालता है ये। अनेबल टू कनेक्ट आने के बाद में इसके वोल्टेज को भी ये ड्रॉप कर रहा है, इसका वोल्टेज है वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अपन अब क्या करेंगे, इसका मेन जो मुद्दा है, मेन जो प्रॉब्लम है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये फ़ोन जितने भी आए ना इसमें दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी, पहला टेम्परेचर का, नहीं सॉरी पहले टेम्परेचर का नहीं आया, पहले क्या होता था वो बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा ऐसे सिम वो लगा हुआ है, इसका जो पहला प्रॉब्लम आया था वो ये होता था कि जो जो इस बोर्ड का जो पावर आईसी था ना, जो इसका पावर आईसी, जैसे कि इस बोर्ड में यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट करता था, ये मदरबोर्ड है जो बहुत ज़्यादा हीट करता था, इसीलिए ये वाली जो प्रॉब्लम ये थी वो अपने आती थी। उसके बाद अभी नया फंडा आने लग गया इसके अंदर, वो है ये चार्जिंग का। अब चार्जिंग का क्या प्रॉब्लम है क्या है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा, लाइव आपके सामने बताऊँगा इसको करके फिर। अब आपको चमत्कार लगेगा देखना। ठीक है, अभी भी मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ इसको, देखना आप। खाली मैंने मदरबोर्ड खोला है, अब देखना आप। अब देखो, अब ये चार्जिंग दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी चार्जिंग दिखा रहा है और अभी अपन कर रहे थे नहीं दिखा रहा, बोर्ड खोलते ही इसका चार्जिंग होने लग गया। समझने वाली प्रॉब्लम वाला टॉपिक है ये कि ऐसा कैसे हो गया कि ये बोर्ड खोलते ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर। एक मिनट, बोर्ड को वापस रख देंगे अपन, वापस खोल के वापस अपन चार्जिंग को लगाएंगे, बोर्ड को लगा देंगे, फिट कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी दबा के लगा दिया है इसको, थोड़ा सा मैं दबा के रख रहा हूँ इसको बोर्ड को। ये देखो अनेबल टू चार्ज। अब आपके आपके समझ में किसी किसी के आ गया होगा, किसी किसी के ये बातें हैं जो समझ में नहीं आएगी होगी, उन लोगों से मैं ये साफ सुथरा ये करना चाहता हूँ कि आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें नॉर्मली अपन इसको खोल के मदरबोर्ड को एक साइड में रखना है आपको, और कुछ चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मली आपको क्या करना है, एक टैप लेना है, जो आपका
ये जो आपको सेंसर दिख रहा है, सेंसर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, सेंसर में प्रॉब्लम आने की वजह से आपके फ़ोन में अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। ये वाली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पैक कर देंगे। इस फ़ोन का सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, आईसी गर्म होती है वो भी इसी की वजह से होता था इसीलिए मैंने, और ये बनाने के बाद में उसके मेरे अच्छे खासे व्यूज़ गए थे और अच्छा खासा वीडियो चला था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम। देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आईसी का काम करने से रिपेयर नहीं होता फ़ोन, लेकिन होता है उसमें भी, लेकिन क्या है कि अब इस वाली प्रॉब्लम में आईसी को थोड़े रिपेयर करेंगे, इस वाली ये तो समझने वाला लॉजिक है ना। तो हर चीज़ आईसी नहीं होती है, कभी कभी ऐसे ऐसे फॉल्ट रहते हैं ना छोटे से, हम लोग कहीं से कहीं निकाल देते हैं। अब उनके क्या है कि आप लोगों को लगता है अगर ये सामने नहीं किया, एक बात मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना सामने नहीं किया, उन लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना वो लोग, उनके पास पूरे दिन में दो ही फ़ोन आते हैं, ठीक है ना, और वो इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर उनके पास लिमिटेड इतना ही काम है कि वो लोग कर पाते हैं। हमारे पास दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, और दूसरी चीज़ हम अलग अलग प्रॉब्लम पे काम करते हैं, एक ही फ़ोन पे काम नहीं करते हैं, अलग अलग और दुनिया भर के फ़ोन आते हैं हमारे पास, टाइम के हिसाब से उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं कि अब आईसी का काम करना है या अभी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रही है और कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, वो मायने रखता है। तो अभी अभी अपन ने टेप लगा दी, अपन अब सीधा एक ही काम करेंगे कि अपना बोर्ड है जो डायरेक्टली फिट करेंगे, अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में टेम्परेचर की जो दिक्कत है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें, आप बहुत सारे फ़ोनों में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत काम का है, वो जो चीज़ें आप सोचते हो कि किसी को शेयर नहीं करना है ये वो, तो वो गलत सोचते हो। और एक चीज़ आज और भी बता देता हूँ, कभी भी किसी भी कस्टमर का अगर आप फ़ोन खोलते हो ना, तो उनका कैमरा बेचारे का साफ़ कर लिया करो, ठीक है ना, ब्रश से नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा पूरा। इससे क्या होगा कि वो कस्टमर है जो आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, उसका भी कारण है कि कभी भी साइड की चीज़ों को अगर साफ़ वाफ करके दे देते हो ना आप, थोड़ा सा कैमरा हो गया इनको क्लीन करके दे देते हो, तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है। अभी मैं एक बार ये ऊपर के स्क्रू का लगा दूंगा, ताकि अपना एक बार एक ये टावर भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ अपना फ़ोन आखिर बन ही गया है या फिर इसमें कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम भी है। क्योंकि हर एक ये सारी चीज़ें क्या समझने वाले टॉपिक है सारे, अगर इनको सही से आदमी समझे ना तो कोई इशू नहीं आती है, और नहीं समझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब अगर इस जगह पे मैं आईडी और थर्मल को चेक करता, आईडी लाइन को अगर चेक करता, तो आईडी लाइन को कब चेक करता और कब वो काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि सारा करने के बाद में भी ये दिक्कत होती ही होती। और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये वाली छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है कभी कभार अपन से भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि उनका लॉजिक समझ में ही नहीं आता है कि हो कहाँ से रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई मिस्त्री है जो प्रॉपर कभी नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं धुरंधर हैं, लेकिन वो लोग भी क्या है कि आप लोगों को लगता होगा कि इन्होंने फट से कर दिया, नहीं, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट। जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है ना, जो सबसे पहले उस पर रिसर्च करता है ना, वो सबसे महान होता है, क्योंकि उसने किया तब आपने किया। जैसे कि A50 का इनका डोल डेकर देख लो, जिसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे पहले किया वो सबसे महान है, क्योंकि उसने उसका आइडिया उसने लगाया, तब जाके तो आप ड्यूल डेकर डायरेक्ट कर रहे हो, आपको क्या पता था कि ड्यूल डेकर में फॉल्ट आ रही है। ये सारी चीज़ें लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं, पहले पहले तो लोग बोलते थे कि इसका रैम ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, लेकिन लगभग ऐसा होता नहीं था। बाद में रैम तो जब चार्जिंग बोर्ड अलग से वो लोग डालने लगे तो रैम में दिक्कत आने लग गई, बाकी ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा था। अब ये बाकी के स्क्रू है नहीं है, इसके अंदर भी नहीं थे, अपने पास भी नहीं, ठीक है। अपन एक बार इसको खुले खुले में चेक करते हैं, देखिए
अभी ये फ़ोन कंप्लीट चार्ज होने लग गया, कोई इशू है नहीं है बिल्कुल भी। बस दोस्तों ये ही करने की ज़रूरत है आपको।